फीमेल पेशेंट, थाई लाइपोसक्शन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, आज मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अर्थशाह, मैं एचसीएच प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। फ्रेंड्स, थाई का जो लाइपोसक्शन है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को क्या होता है कि ये आउटर थाई कई बार हेरिडिटरी रीजन से ही बड़ा हुआ होता है। वो आप कितना भी एक्सरसाइज करोगे, जिम करोगे, डाइटिंग करोगे, तो वो निकलेगा नहीं। तो उसको निकालने का एक ही ऑप्शन होता है, या आप सोचना छोड़ दो, या एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, की होल प्रोसीजर। आप देख सकते हो कि कितना छोटे से की होल प्रोसीजर से हम लोग यहाँ पे फैट निकालते हैं, तो इतने की, और पेशेंट इज कम्प्लीटली कम्फर्टेबल। तो पेशेंट को कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2-3 घंटे का काम होता है। और जो आपका कई बार क्या है, प्रपोजन बहुत बाहर दिखता है, और उससे कई सारे कपड़े पहनने में फीमेल को संकोच होता है, अच्छा नहीं लगता है, कॉन्शियस हो जाती है, थोड़ा फीलिंग अच्छा नहीं आता है कई सारे कपड़ों में। तो वो एक ही प्रोसीजर से निकलेगा, और वो होता है लाइपोसक्शन। तो मैं आपको आगे के स्टेप्स भी दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया है कि मेरे को ये करना है प्रोसीजर या नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक ही दिन का काम होता है, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो आप ये सी प्रोसीजर है वो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास डेफिनेटली करा सकते हो, और इसीलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। मैं आगे के स्टेप्स भी आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप ऑफ लाइपोसक्शन ऑफ थाई चालू हो चुका है फॉर अनवांटेड फैट्स, फॉर ब्लॉक फैट, जो रेजिस्टेंट फैट होता है, जो नहीं निकल रहा है। तो आप देख सकते हो कि कंप्लीट येलो फैट होता है, बिल्कुल भी एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं है, पेशेंट टोटली कंफर्टेबल है, कोई पेन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो कई बार फैट बर्नआउट नहीं होता है, आप कितना भी ट्राई करो, थाइस का होता है, कई बार फीमेल में एक्जिला का होता है, साइड लॉक्स का होता है, या लव एंगल का होता है, तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो उसके लिए आपको प्रोसीजर ही करवानी पड़ती है, और वो प्रोसीजर जो होती है वो बहुत सेफ है, बहुत सिंपल है, कोई साइड इफेक्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, 2-3 घंटे का प्रोसीजर है, और पेशेंट सेम डे शाम को कर जा सकता है। तो अगर इस टाइप का कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई भी फीमेल को रेजिस्टेंट फैट है, वो नहीं निकल पा रहा है, तो डेफिनेटली हम हेल्प कर सकते हैं, अच्छे से प्लास्टिक सर्जन आपको हेल्प कर सकते हैं, और आप हमारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको फीमेल कोऑर्डिनेटर है, वो आपको हेल्प करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।